भव्य मधुर धुन है प्रधानमंत्री के आगमन पर। बात होता था उस वक्त भी और जब जमीन तो प्रधानमंत्री का भव्य आगमन देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब शुरू होगा महाशपथ ग्रहण समारोह। जा रही है वो उत्तर प्रदेश जो कि अब बदल चुका है। एक वक्त ऐसा भी था जब इस उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि पहले कुछ और तस्वीर थी और अब कुछ और तस्वीर है, तस्वीर बदल चुकी है, उसी बदली हुई तस्वीर की झलक दिखाई जा रही है सभी को। डॉक्यूमेंट्री चलाई जा रही है स्क्रीन पर और उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई जा रही है। तस्वीर देखी आपने और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आयोजन किया गया है। बैंड की धुन पर राष्ट्रगान हो रहा है। शुरुआत हुई है। तस्वीरों में देखा आपने एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और माननीय बाकी सभी लोग मौजूद हैं जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी मौजूद हैं। और अब शुरुआत हो रही है शपथ ग्रहण समारोह की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और वो सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई कोई जरूरत नहीं। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री जयवीर सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, श्री अनिल राजभर, श्री जितिन प्रसाद, श्री राकेश सचान, श्री अरविंद कुमार शर्मा, श्री योगेंद्र उपाध्याय, श्री आशीष पटेल और श्री संजय निषाद। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्या जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में के विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करो। माननीय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुचित या प्रकट नहीं करूँगा। माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जितिन प्रसाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का करें। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री राकेश सचान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री आशीष पटेल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री संजय निषाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने
माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री नितिन अग्रवाल, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री रविंद्र जायसवाल, श्री संदीप सिंह, श्रीमती गुलाब देवी, श्री गिरीश चंद्र यादव, श्री धर्मवीर राज प्रजापति, श्री असीम अरुण, श्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, श्री दयाशंकर सिंह, श्री नरेंद्र कश्यप, श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री अरुण कुमार सक्सेना और श्री दयाशंकर मिश्र दयालु। माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ नितिन अग्रवाल जी और श्री कपिल देव अग्रवाल जी दोनों से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सफलता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य के मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी और श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती गुलाब देवी और माननीय श्री गिरीश चंद यादव जी से अनुरोध है कि दोनों कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि
जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी और माननीय श्री असीम अरुण जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयंत प्रताप सिंह राठौर जी और श्री जयशंकर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी और माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र भार के रूप में कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य दिनेश की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति
दिया व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने दायित्वों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रशस्वा अप्रत्यक्ष रूप से संचुचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की। माननीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी और माननीय श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभा और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्री मयंक शेखर सिंह जी, श्री दिनेश खटिक, श्री संजीव गोंड, श्री बलदेव सिंह ओलक, श्री अजीत पाल, श्री जसवंत सैनी, श्री रामकेश निषाद, श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, श्री संजय गंगवार, श्री ब्रजेश सिंह, श्री केपी मलिक, श्री सुरेश राही, श्री सोमेंद्र तोमर, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, श्री राकेश राठौर गुरु, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री सतीश शर्मा, श्री दानिश आजाद अंसारी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, माननीय श्री मयंकेश्वर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया उनके साथ ही साथ श्री दिनेश खटिक जी, श्री संजीव गौंड जी और श्री बलदेव सिंह ओलक जी सबसे अनुरोध है कि आप सभी साथ साथ कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सौ या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अजीत पाल जी, माननीय श्री जनी जी, माननीय श्री राकेश निषाद जी और मनोहरलाल मन्नू कोरी जी, आप सभी से अनुरोध है कि साफ़ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अजीत पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रख। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत पाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो विशेष राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री संजय गंगवार जी, माननीय श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय श्री केपी मल्लिक जी और माननीय श्री सुरेश राही जी, अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मेरा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोग संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे पे लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसमें किसी व्यक्तियों को मंत्री के रूप में कर्तव्यों का समझिए न अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप संसूचित प्रकट नहीं करूंगा। श्री सोमेंद्र तोमर जी, माननीय श्री अनूप प्रधान बाली, माननीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी और माननीय श्री राठौर गुरु जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रख। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि का न्याय करूंगा। मैं सोमेंद्र तोमर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय।
की माननीय श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय सतीश शर्मा जी, माननीय श्री दानिश आजाद अंसारी जी और माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, आप चारों से अनुरोध कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं रजनी तिवारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अछूत रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक और शुद्ध अनंतकरण से निर्वहन करूंगी। तथा मैं भाजपा अनुराग के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति विधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य में रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचूषित या प्रकट नहीं। भारत माता की माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो इस शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। कार्यवाही की समाप्ति की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा इस समारोह का समापन किया जाता है।
कि आप देख रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। 15 से 20 लोग मंत्रिमंडल से बाहर भी निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है, जिसके बाद से अब सभी कान्हा स्टेडियम से निकल रहे हैं। 52 मंत्री ने मंत्री पद का शपथ लिया है। वहीं मोहसिन रजा को हटाकर दानिश आजाद को मंत्री बनाया गया है। सीएम के 52 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। वहीं राकेश सचान को कुर्मियों को साधने की कोशिश करते हुए राकेश सचान को भी मंत्री पद का शपथ दिलाया गया है। आशीष पटेल ने भी आज मंत्री पद का शपथ लिया, जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, सूर्य प्रताप शाही, बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, ब्रजेश पाठक, जितिन प्रताप प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, तमाम लोगों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न हो चुका है। वहीं ब्रजेश पाठक ने भी शपथ लिया है। असीम अरुण को भी मंत्री पद में जगह मिली है, मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिला है। बलदेव सिंह औलख, जो कि इकलौते सिख मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, दोबारा से ही से भी उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया है। कई नए चेहरे भी जो आए थे, उन सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आशीष पटेल, असीम अरुण, अनु वाल्मीकि, स्वतंत्र देव सिंह, इन सभी लोगों को, एके शर्मा सहित विजय लक्ष्मी गौतम को भी, संजय निषाद, अरविंद शर्मा, सभी को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कई नए चेहरों को भी अहमियत दी गई है। साथ ही साथ गुलाब देवी ने भी शपथ ग्रहण किया है। दया शंकर सिंह ने भी आज मंत्री पद के लिए शपथ लिया है। योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। तमाम अतिथियों के बीच में यह शपथ ग्रहण समारोह, ऐतिहासिक जीत के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। सुरेश खन्ना ने भी मंत्री पद का शपथ लिया। सूर्य प्रताप शाही ने भी मंत्री पद का शपथ लिया। बलदेव सिंह औलख, जो कि इकलौते सिख मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, अभी तक उन्होंने इस सरकार में भी, पिछली सरकार में इकलौते सिख मंत्री थे, इस सरकार में भी उन्होंने शपथ लिया है मंत्री पद का। तमाम जो अटकले थी, तमाम जो एक उम्मीदें थी कि किसको कहां का मंत्री बनाया जा सकता है, कौन मंत्री पद में शामिल होगा, उस पर सभी जो अटकलें थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। सारे 52 मंत्रियों ने अपना शपथ ले लिया है। वही अजय से बने योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हिंदू युवा वाहिनी का गठन भी योगी आदित्यनाथ ने किया है। वही सबसे कम उम्र के सांसद भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बने थे। गोरखपीठ से उनका अभी भी लगाव बरकरार है। उनकी हिंदू युवा वाहिनी ने काफी काम भी किए हैं, जिसके बाद वह 2017 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद योगी आदित्यनाथ के कई अहम जो अभियान थे, उसमें से एक एंटी भू माफिया जो अभियान था,
उसके तहत उन्होंने काफी लोगों को उनकी जमीनें वापस दिलाई, साथ ही साथ एक बुलडोजर भी बड़ा फेमस हुआ और 2022 विधानसभा चुनाव में भी बुलडोजर एक अहम रहा। जेसीबी की खुदाई से हटकर बुलडोजर बना और उस बुलडोजर ने कमाल कर दिया। योगी सरकार 2.0 में केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल है, केशव प्रसाद मौर्य को भी जगह मिली, उन्होंने भी आज शपथ लिया है अपना। कौशाम्बी में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का उन्होंने दामन थामा। 2012-2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे, 2017 में वो सूबे के डिप्टी सीएम बनाए गए थे। कौशाम्बी में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य ने भी दोबारा डिप्टी सीएम का शपथ लिया है। वहीं गिरीश चंद्र यादव की बात करें तो 2005 में जिला पंचायत सदस्य बन चुके थे, भारतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में से इन्होंने राजनीति में कदम रखा, शहरी नियोजन व आवास जैसे ऐसे तमाम योजनाओं को भी वो सामने लाए। शहरी नियोजन व आवास राज्य मंत्री रहे, इसमें उन्होंने और अच्छे काम किए। 2017 में पहली बार जौनपुर सदर से यह चुनाव लड़े थे गिरीश चंद्र यादव। 2005 में जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे। वहीं अखिल केशव मौर्य कौशाम्बी में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य दोबारा से अपना शपथ आज ग्रहण किए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में 2012-2014 में वो लोकसभा भी जीत चुके हैं। बेबी रानी मौर्य ने भी आज जो मंत्री पद का शपथ लिया, 1990 में उन्होंने ज्वाइन किया था। नई मुख्यमंत्री अजय से बने योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है और आज शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो गया। दोबारा 2017 के बाद 2022 में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ ही बैठे हैं। अजय से बने योगी आदित्यनाथ ने दोबारा उत्तर प्रदेश का कमान संभालेंगे। हिंदू युवा वाहिनी का भी इन्होंने गठन किया है। 2017 में इन्होंने यूपी की कमान संभाली है। सबसे युवा जो है वो संसद में चुन के गोरखपुर से गए हैं। कई बार लगातार गोरखपुर से सांसद रहे हैं, गोरक्ष पीठ से हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन्होंने गोरखपुर को एक अलग पहचान और पूरे प्रदेश के साथ साथ इन्होंने गोरखपुर को भी एक अलग पहचान दी है। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश इनके राज्य में बना है, ऐसा लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया है, माफिया मुक्त बनाया है। 2017 में इन्होंने यूपी की कमान संभाली थी, जिसके बाद से 2022 के चुनाव में ये बेहद ही लोकप्रिय रहे। इनके चेहरे पर मोदी के साथ साथ इनके चेहरे पर भी चुनाव लड़ा गया है। बात अगर केशव प्रसाद मौर्य की करें तो कौशाम्बी में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इन्होंने दामन थामा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के भी सदस्य बने। 2012-2014 में लोकसभा चुनाव जीता, 2017 में ये सूबे के डिप्टी सीएम बनाए गए। हालांकि अगर बात किया जाए 2022 की तो 2022 में इन्होंने एक बेहतर प्रदर्शन दिया। ये सभी जिन्होंने आज योगी 2.0 योगी सरकार 2.0 में शपथ लिया है, ये उनके नाम है। आज फिर से ऐतिहासिक जीत के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना शपथ ले चुके हैं। उनके साथ ही साथ 52 और मंत्रियों ने शपथ ली है, 15 से 20 लोग वहीं मंत्रिमंडल से निकाले गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए मोहसिन रजा की तो मोहसिन रजा को हटाकर दानिश आजाद को मंत्री बनाया गया है। वहीं दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ श्रीकांत मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं। वहीं दिनेश शर्मा को संगठन में जगह मिलेगा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। आशीष पटेल को भी राज्य मंत्री में जगह मिली है, उन्होंने आज अपना शपथ लिया है। अनुप्रिया पटेल के पति अनुप्रिया पटेल पहले भी केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं उनके पति अब राज्य मंत्री में आ गए हैं। वहीं गिरीश चंद्र यादव की बात करें तो गिरीश चंद्र यादव शहरी नियोजन व आवास राज्य मंत्री रहे हैं। 2005 में जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे, 2017 में पहली बार जौनपुर सदर से चुनाव लड़ा इन्होंने।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2005 में जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे। गिरीश चंद्र यादव को भी योगी सरकार 2.0 में जगह मिली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने राजनीति में कदम रखा है। ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अपने कार्यकाल में इन्होंने काफी विकास भी किया है, काफी कुछ कार्य किया है। 2017 में पहली बार जौनपुर सदर से ये चुनाव लड़े थे। धर्मपाल सिंह की तो धर्मपाल सिंह भी मंत्री बनाए गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने भी आज शपथ लिया है। स्वतंत्र देव सिंह 2022 चुनाव में एक अहम भूमिका निभाए, उन्होंने भी साथ दिया है। नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी आज शपथ लिया है। ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री थे, 5 साल उन्होंने कानून मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला, आज उन्होंने भी शपथ लिया है योगी सरकार 2.0 में। वहीं पे अगर बात किया जाए अरविंद कुमार शर्मा की, तो अरविंद कुमार शर्मा के नाम को लेकर काफी अटकलें लगी थी चुनाव के पहले भी। चुनाव के कुछ वक्त पहले ही जब अरविंद कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजा गया था, तो इनके नामों को लेकर तमाम तरह की बातें उठ रही थी। इस बीच उन्होंने भी आज योगी सरकार 2.0 में शपथ लिया है। बेबी रानी मौर्य 1990 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। 1995 में आगरा की मेयर बनी थी बेबी रानी मौर्य। 2002 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनी। 2018 में उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल बनी बेबी रानी मौर्य। और राज्यपाल की कुर्सी छोड़ इन्होंने उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव लड़ा और इन्होंने जीत दर्ज की। वहीं आज बेबी रानी मौर्य ने भी योगी सरकार 2.0 में मंत्री पद का शपथ लिया है। 1990 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। 1995 में यह मेयर बनी, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी बनी 2002 में। 2018 में उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बनी थी, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल की कुर्सी छोड़ी और यह उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ी। इन्होंने जीत भी दर्ज किया। वहीं योगी सरकार 2.0 की ऐतिहासिक जीत की ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो चुका है और मंत्रियों ने भी अपने पद का शपथ ले लिया है। साथ ही साथ 15 से 20 लोग मंत्रिमंडल से बाहर निकाले गए हैं। दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ, श्रीकांत शर्मा को इस बार मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली है। बेबी रानी मौर्य के नाम को भी लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी। बताया जा रहा था कि शायद बेबी रानी मौर्य के जरिए 2024 को साधने की कोशिश की जाए। हालांकि अभी मंत्रिमंडल में बेबी रानी मौर्य को शामिल किया गया है। आज बेबी रानी मौर्य ने भी शपथ लिया है योगी सरकार 2.0 में। योगी सरकार 2.0 मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल का हिस्सा है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य राज्य 7वीं राज्यपाल थी उत्तराखंड की, केशव प्रसाद मौर्य, जो कौसाम्बी में जन्मे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्य भी बने केशव प्रसाद मौर्य। 2012-2014 में इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। 2017 में सूबे के डिप्टी सीएम बने थे केशव प्रसाद मौर्य। असीम अरुड 1994 बैच के आईपीएस है। असीम अरुड कन्नौज सीट से, इत्र की नगरी कन्नौज से विधायक चुने गए थे। सपा के अनिल दोहरे को हराया। यूपी के एटीएस के भी चीफ रह चुके हैं असीम अरुड़। असीम अरुड़ उन नए चेहरों में हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया था। असीम अरुड़ 1994 बैच के आईपीएस हैं। इत्र की नगरी कन्नौज से इन्हें विधायक चुना गया है। सपा के अनिल दोहरे को इन्होंने हराया। यूपी के एटीएस चीफ भी रहे हैं। हालांकि असीम अरुड़ जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए थे, तो इनको लेकर भी काफी तमाम बातें सामने आई थी। कई कवायदे लगाई गई थी, इन पे कई सवाल या निशान भी खड़े किए गए थे। धर्मवीर प्रजापति
भाजपा से राजनीति सफर की उन्होंने शुरुआत की 2002 में। प्रदेश संगठन में बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली थी, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी थे धर्मवीर प्रजापति। 2019 में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। पिछला वर्ष प्रकोष्ठ के प्रदेश का महामंत्री भी थे धर्मवीर प्रजापति। अब इन्होंने भी योगी सरकार 2.0 में शपथ लिया है, मंत्रिमंडल का हिस्सा है ये, योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल का हिस्सा है। भाजपा से राजनीति की सफर की इन्होंने शुरुआत की है 2002 में। प्रदेश संगठन से इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं धर्मवीर प्रजापति। माटी कला बोर्ड का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। इस बीच इन्होंने जो प्रजापति एक जो कहार है उसके लिए इन्होंने बढ़ चढ़ के एक हिस्सा लिया था। इन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां भी निभाई थी। लखनऊ स्थित माटी कला बोर्ड के जो ऑफिस वहां पर इन्होंने दिवाली के दौरान एक सेमिनार भी कराया था, जहां कई जगह से कई प्रदेशों से लोग आए थे जो माटी के उत्पाद है जिनके, वो लोग आए थे और कई तरह की मशीनें भी बनाई गई थी। एक अलग तरह का इन्होंने पहचान दिया था। वही इन्होंने भी योगी सरकार 2.0 में शपथ लिया है। कई नए चेहरों को भी योगी सरकार 2.0 में जगह मिली है। तो वहीं 15 से 20 लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर निकाला गया है। डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस रहे, इत्र की नगरी कन्नौज से चुनाव जीता था इन्होंने। वही नए चेहरे ये भी है मंत्रिमंडल में, यूपी के एटीएस चीफ भी रहे हैं। सपा के अनिल दोहरे को इन्होंने हराया है, कन्नौज सीट से इन्हें विधायक चुना गया है। योगी आदित्यनाथ बने यूपी के मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य बने यूपी के डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक बने यूपी के डिप्टी सीएम, सुरेश खन्ना ने मंत्री पद की ली शपथ, सूर्य प्रताप शाही ने भी मंत्री पद की ली शपथ। कुछ इस तरह से है योगी सरकार 2.0 का मंत्रिमंडल। योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में बेबी रानी मौर्य ने भी ली मंत्री पद की शपथ, अनिल राजभर ने कैबिनेट पद की शपथ ली, लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। योगी सरकार 2.0 में जयवीर सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली, अरुण कुमार सक्सेना ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, दयाशंकर मिश्र दयालू ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ लिए हैं, संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, गुलाब देवी, गिरीश चंद यादव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण भी स्वतंत्र प्रभार में है, अजित पाल, रामकेश निषाद ने भी आज शपथ लिया है, जशवंत सैनी, संजय गंगवार भी राज्य मंत्री बने, मनोहर लाल मन्नू कोरी राज्य मंत्री बने। कुछ इस योगी कैबिनेट में 18 मंत्रियों ने शपथ ली। कुछ इस तरह से है योगी सरकार 2.0 का मंत्रिमंडल। केशव प्रसाद मौर्य बने डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक बने डिप्टी सीएम, सुरेश खन्ना ने मंत्री पद की शपथ ली, सूर्य प्रताप शाही ने मंत्री पद की शपथ ली, स्वतंत्र देव सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली, बेबी रानी मौर्य ने मंत्री पद की शपथ ली। कुछ इस तरह से है योगी सरकार 2.0 का मंत्रिमंडल। कई नए चेहरे भी योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में शामिल है। तो वहीं कई चेहरों को जगह नहीं मिली है। जयवीर सिंह ने भी मंत्री पद का शपथ लिया, दयाशंकर मिश्र दयालू ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ लिए हैं, संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में, वहीं गुलाब देवी, गिरीश चंद यादव ने भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ लिया है, अजीत पाल, रामकेश निषाद भी राज्य मंत्री बने हैं, जसवंत सैनी, संजय गंगवार राज्य मंत्री बने हैं, मनोहर लाल मन्नू कोरी भी राज्य मंत्री बने हैं। योगी कैबिनेट में 18 मंत्रियों ने ली शपथ। कुछ इस तरह से है ऐतिहासिक जीत के ऐतिहासिक मंत्रिमंडल। ब्रजेश
ने शपथ लिया है, वो कानून मंत्री थे उत्तर प्रदेश में। कुछ इस तरह से रहा ऐतिहासिक जीत का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह। कानून मंत्री भी अब डिप्टी सीएम के रूप में चुने जा चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे। एक ऐतिहासिक जीत का जो एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण है विभांशु, वो कुछ इस तरह से रहा है। कई नए चेहरों को भी योगी सरकार 2.0 मंत्रिमंडल में जगह मिली है, और क्या कुछ अन्य अब खबरें सामने आ रही है, क्योंकि ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो पिछली सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को जिम्मा दिया गया था, उस जिम्मे में प्रमोशन करके उनको उत्तर प्रदेश का डिप्टी मुख्यमंत्री चुना गया है। आप देख सकती है पोस्टर, महज कुछ घंटों पहले उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिया तीसरे नंबर पे, जिसमें आप देख सकते हैं उनका प्रमोशन करके उनको उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बनाया गया है। वहीं अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक के घर के बाहर जो उनके समर्थक है वो उनका धीरे धीरे जमावड़ा बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ पटाखे और गुलाल खेले जा रहे हैं, जिससे साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन ऐसा है कि होली और दिवाली मानो आज ही है। और वहीं हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है ब्रजेश पाठक जी के प्रमोशन पे, उनको कानून मंत्री से प्रमोट करके डिप्टी सीएम बना दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कार्यकारिणी ने जो माननीय विधायक जी पे मुख्यमंत्री का जवाबदारी सौंपा हुआ उप मुख्यमंत्री का, इससे प्रदेश की पूरी जनता में इतना हर्ष उल्लास है कि माननीय ब्रजेश पाठक जी के लिए इतनी जमीनी के कार्यकर्ता हैं वो, जिसके विषय में पूरा प्रदेश इस समय खुशी का माहौल है। आप देख रहे हैं सामने जो है पटाखों से लेकर के माला फूल से लेकर के सर स्वागत किया जा रहा है, और खास करके युवाओं में इतना भव्य जो है स्वागत समारोह रखा गया हुआ है। युवाओं की तरफ से बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग बहुत बहुत युवा के तरफ से, अटल हिंदू फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद देते हैं। तो त्रिशला, आपने देखा यहाँ कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ तब से उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें शपथ दिलाई गई है, तब से यहाँ मानो की दिवाली मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पटाखे चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ अंदर में रंग भी खेले जा रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है धीरे धीरे ब्रजेश पाठक के घर के। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ब्रजेश पाठक पिछली सरकार में कानून मंत्री रहे थे, जिसमें तमाम ऐसे फैसले किए गए, चाहे एंटी माफिया की बात की जाए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को जो एक सराहना की जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, तो कहीं ना कहीं उसमें ब्रजेश पाठक का हाथ रहा है। वही आप देख सकती है कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ है, क्या कहेंगे? ब्रजेश जी का प्रमोशन हो गया, कैसे देखते हैं इसको? इन्होंने कार्यकर्ताओं की बहुत सम्मान किया, सबसे पहले आओ मीठा खाओ, उसके बाद में बहुत ज्यादा इज्जत देना, ये सब बहुत प्रभावित करता है कार्यकर्ताओं को, बैठाना और इज्जत देना और उनका काम करना। पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता इनके पास आते थे, और शीर्ष नेतृत्व ने ब्रजेश पाठक जी को प्रमोट करके डिप्टी सीएम बना दिया, क्या कहते हैं एज ए युवा? ब्रजेश पाठक को सीएम बनना बहुत ही उत्साहपूर्वक है हम लोगों के लिए, और ब्रजेश पाठक जो है ब्राह्मण मजबूत हुआ, ब्रजेश पाठक जी के आने से ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र मजबूत हो गया। जी, आप देख सकती हैं कि यहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा किस हद तक का है। वहीं पटाखे चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको आवास के बाहर का दृश्य दिखाना चाहेंगे कि आवास के बाहर कार्यकर्ताओं की जो धीरे धीरे भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि उनके डिप्टी सीएम बनते ही सबसे पहले उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर लगा दिया गया, हर एक जगह पोस्टर के रंग बदल चुके हैं। जहां उन्हें कानून मंत्री के तौर पे देखा जाता था, उसमें उनको काफी ऊपर प्रमोट करके उनके डिप्टी सीएम का चेहरा दिया गया। वहीं दिनेश शर्मा के स्थान पे इस बार ब्राह्मण चेहरे को अगर बात करें तो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्रजेश पाठक को उतारा गया है। और ठीक सामने मेरे आवास है, आवास के अंदर भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, और भाजपा का झंडा लिए और जय श्री राम के नारे और भाजपा के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं पिछला अगर देखा जाए तो ब्रजेश पाठक जो कि क्षेत्र में काफी सक्रिय करते हैं और कार्यकर्ताओं को वो विशेष तौर पे काफी जान मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका उसी वजह से का यहाँ उनके आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता जा रहा है। वहीं बताया ये जा रहा है कि 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक के बाद धीरे धीरे यहाँ ब्रजेश पाठक आएंगे, जिसके बाद ये कार्यकर्ता उनसे
उनको उनका सम्मान करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो उनका आवास, चाहे बात की जाए डिप्टी सीएम केपीएम केशव प्रसाद मौर्य, चाहे डिप्टी दूसरे नए नव निर्वाचित डिप्टी सीएम के बृजेश पाठक की, तो इन दोनों लोगों के घरों को सजा दिया गया है और साथ ही साथ पूरे फूल माला और झालरों से पट दिया गया। जी फैसला जो पिछली योगी सरकार थी उस पे लगातार ये आरोप लगाते आए हैं, जो स्वर समाज है पंडित चेहरों को लेकर लगातार एक आरोप भी लगा है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, एक पंडित चेहरे को भी डिप्टी सीएम बना दिया गया, क्योंकि खासा नाराज था जो पंडित है वो नाराज दिख रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या 2014 के साथ साथ 2027 को भी साथ दे की अभी से कोशिशें शुरू हो गई है विभांशु? जी तुष्णा, अगर बात करें तो 2022 के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा था। और वहीं आपको बता दें कि आपने बात की थी ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्रजेश पाठक काफी सक्रिय रहे हैं और उसी सक्रियता का उन्हें फायदा मिला कि उन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विकास दुबे हत्याकांड के बाद ब्राह्मणों काफी नाखुश रहे, जिसमें ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मणों को मनाने का काम किया। साथ ही साथ ब्राह्मण वोट बैंक में जो सेधमारी की तैयारी कर रहा था विपक्ष, उसमें कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका ब्रजेश पाठक ने अदा किया था ब्राह्मणों को, ब्राह्मण वोटरों को अपने तरफ करने के लिए। इसमें साफ तौर पे कह सकते हैं कि उसका इनाम दिया गया है। तो उसी क्रम में हमारे साथ एक और कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे, ब्रजेश जी का प्रमोशन कर दिया गया, क्या सोच का जो प्रमोशन किया गया है उनकी ईमानदारी और निष्ठा की वजह से किया गया है। वो हमेशा लोगों के प्रति ईमानदार बनते थे और उन्होंने लोगों के प्रति काम किया, क्यों चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, हमेशा जो भी उनके पास कोई भी समस्या लेकर के आया वो हमेशा बराबर सबके लिए काम ईमानदारी से करते रहे और इसीलिए उनको आज ये प्रमोशन दिया गया है। अच्छा, ब्रजेश पाठक जी को कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं का उन्हें विशेष लगाव रहता है, कार्यकर्ताओं का बहुत ही वो ख्याल रखते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जो भी ब्रजेश पाठक जी के पास आता है अपने दुख से लेके, मतलब चाहे सुख दुख हो, सबका साथ सबका विकास के प्रति, वो कोई भी कार्यकर्ता प्रदेश का हो वो सबका काम करते हैं। मैं यही उनको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि आज वो डिप्टी सीएम के रूप में यहाँ पे सफल लिया है। मैं उनको अग्रिम या जिसे कहें कि बहुत सारी बधाई में देना चाहता हूँ। जी आप क्या कहेंगे, ब्रजेश पाठक जी को प्रमोट करके कानून मंत्री से डिप्टी सीएम बना दिया गया है, किस नजर से देखते हैं आप एज ए कार्यकर्ता? पाठक जी से हम लोग बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और वो जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पहले कार्य करते थे और उसके बाद बहुत ही तेजी से उन्होंने तरक्की पाते हुए आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और हम लोग उनको बहुत बधाई देना चाहते हैं। इवन जब कोरोना काल था तब सारे नेता, बड़े बड़े विपक्षी दलों के भी नेता जो कार्य नहीं कर रहे थे, लोगों के बीच नहीं जा रहे थे, ब्रजेश पाठक जी एक एक घर तक राशन पहुंचा रहे थे, उनके घर के कोरोना की जांच करवा रहे थे, तमाम तरीके का मैनेजमेंट ये देख रहे थे पूरा, हम लोगों ने उसमें कार्य भी किया है। तो हम लोग इस चीज पे बहुत खुश हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ एक नेता जो आज हम लोगों को मतलब मार्गदर्शन करने के लिए और हमारी समस्याओं को समझने, मैं कैंट क्षेत्र का निवासी हूँ और हम लोग बहुत आभारी हैं कि पाठक जी जो हैं हमारे विधायक बने हैं और अब डिप्टी सीएम बने हैं। हमको पूरा विश्वास है कि वो पूरी मेहनत से योगी जी और मोदी जी के बनाए हुए पथ पर आगे चलेंगे और इस देश को और ऊपर लेके जाएंगे। जी तो आपने तुसला सुना कि यहाँ एक कार्यकर्ता से मैं बात कर रहा था जिनके द्वारा कहा गया कि और जो काम किया उसको और आगे ले जाएंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद। अच्छा आप ये बताएं, आप लखनऊ से? मैं उन्नाव से हूँ। उन्नाव से। अच्छा ये बताएं कि ब्रजेश जी तो छात्र राजनीति से सक्रिय हुए हैं, उन्होंने एलयू से छात्र संघ का चुनाव लड़ा, कुछ किससे बताइए उनके बारे में? उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने तालीम हासिल की, वहाँ के अध्यक्ष बने, उसके बाद कांग्रेस में रहे, उसके बाद बसपा में रहे, आज वो भाजपा में जो है वो कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, गरीब जनता का याद रखते हैं, आज तक उनके अंदर हिंदू मुस्लिम भावना नहीं आई, वो गरीब जनता का खास करके ध्यान रखते हैं। आज इसीलिए उनको अल्लाह ईश्वर भगवान ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है, केवल उनके कार्य के उसमें उनके कार्य अच्छे हैं, उनके अंदर कभी भेदभाव नहीं रहा और वो जनता के लिए प्रति ईमानदार रहेंगे, लोगों के सेवक रहेंगे, ये हमारा कहना है। जी तुसला, आपने सुना कि हमारे साथ उनके समर्थक, इनका साफ तौर पे कहना है कि ब्रजेश पाठक लोगों के बीच रहते हैं, उसी का इनाम उनको मिला है। तुसला जी, लेकिन विभांशु, जो चार लोगों को इस वक्त जगह नहीं मिली, जो चार अहम चेहरे थे, दिनेश शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, भूषण दजो, श्रीकांत शर्मा, इन चार लोगों को जगह नहीं मिली। अहम जो बात हुई कि दिनेश शर्मा को इस बार जगह नहीं मिली, हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद केशव, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी केशव प्रसाद, लेकिन दिनेश शर्मा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, तो क्या उन्हें संघ में कोई जगह दी जा सकती है या फिर क्या कुछ खबरें दिनेश?
जितना अगर बात करें तो 2024 चुनाव को देखते हुए जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, उसमें खास तौर पे ऐसे ऐसे आप समीकरण के हिसाब से चाहे बात की जाए जातिगत समीकरण, चाहे बात की जाए प्रशासनिक ऐसे जो जो प्रशासनिक लोगों के जो कुछ नेता जैसे असीम अरुण आए जिनके पास प्रशासनिक अनुभव है, ऐसे चेहरों को मौका दिया गया तो कुछ ना कुछ ऐसे चेहरों को बदलना था। हो सकता है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में लोकसभा का चुनाव लगाया जाए या उनको कुछ अहम ऐसी जिम्मेदारियां दी जाए। भाजपा के अंदर में जो ऐसे चेहरे जैसे बात की जाए, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को इस बार ऊर्जा मंत्री नहीं बनाया गया, ना किसी ऐसे मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया है, तो भाजपा उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोच रखी होगी। कहीं ना कहीं एक जातिगत समीकरण इस बार देखने को मिला है कि हर एक वर्ग से मंत्रिमंडल में चेहरे दिए गए हैं, तो ऐसा ही हुआ होगा। और वही अगर बात करें तो हर एक वर्ग हर एक जाति चाहे बात की जाए तो आपके निषाद पार्टी अपना दल से जीत के आए अल्पसंख्यक मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। जी पिछला लेकिन जिस तरह से नए चेहरों को शामिल किया गया है विभांशु इस मंत्रिमंडल में, ये सीधा 2024 के साथ साथ 2027 की भी तैयारी दिख रही थी, क्योंकि कान्हा स्टेडियम में जो दिनेश लाल यादव निरहुआ थे उन्होंने साफ साफ ये गाना भी वहां पर गाया कि 2022-2024 तो झांकी है, 27 अभी बाकी है। तो इस तरह से लगातार वो गाना भी गाते हैं और नए चेहरे असीम अरुड़ के, वही अगर आशीष पटेल की बात की जाए विभांशु, अनुप्रिया पटेल के जो हस्बैंड है उनके पति है अनुप्रिया पटेल, पहले केंद्रीय मंत्री उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कहा गया है कि एक परिवार में दो लोगों को जगह नहीं दी जाती, लेकिन आशीष पटेल ने भी आज शपथ लिया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं विभांशु, किस तरह के समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है? विभांशु, जिस तरह से आशीष पटेल को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, हालांकि उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल अपना दल से अभी केंद्रीय मंत्री है, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है, किस तरह से देखते हैं और किस तरह का समीकरण साधने की कोशिश की गई है? कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारे संवाददाता से हमारा कनेक्शन टूट गया है। आपको बता दें कि यह जो शपथ ग्रहण ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह रहा है वो ऐतिहासिक रहा है, कई नए चेहरे को जगह दिया गया है, साथ ही साथ कानून मंत्री बृजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया है। बृजेश पाठक ने अपने कार्यकाल में और कोरोना के दौरान लोगों की काफी मदद भी की है, वो एक ऐसे केशव प्रसाद मौर्य बात किया जाए तो केशव ने भी काफी कार्य किया है कोरोना काल में, लेकिन बृजेश पाठक ने एक अलग ही मदद करी है लोगों की, वो सरकार से भी ना अपने कार्यकाल में ही अपने सरकार से भी नाराज होते कोरोना के दौरान नजर आए और आज उन्हें डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का बनाया गया है, कानून मंत्री से उनका प्रमोशन होकर वो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। लगातार जिस तरह से पंडित है वो हमलावर रहे थे पिछली योगी सरकार पर, लगातार हमलावर रहे, चाहे वो विकास दुबे कांड, चाहे वो कई ऐसे मसले हो पंडितों को लेकर के, इसको देखते हुए इसको साधते हुए बृजेश पाठक को अब डिप्टी सीएम बना दिया गया है। दिनेश शर्मा को जगह नहीं मिली है मंत्रिमंडल में, साथ ही खबर उनको लेकर ये भी आ रही है कि शायद उन्हें संगठन में जगह मिलेगा। तो कुछ इस तरह से रहा योगी सरकार 2.0 का मंत्रिमंडल। दिनेश शर्मा, सिद्धार्थ और श्रीकांत शर्मा बाहर किए गए, वही मोहसिन रजा जो एक मुस्लिम मंत्री थे उनको हटाकर अब दानिश आजाद को मंत्री बना दिया गया है। दयाशंकर सिंह, वही केतकी सिंह, दयाशंकर सिंह का नाम भी सामने आ रहा था, हालांकि दयाशंकर सिंह को मंत्री बना दिया गया है। योगी सरकार 2.0 कुछ इस तरह से रहा है। अगर बात योगी आदित्यनाथ की जाए तो योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी रहे हैं वो। स्वतंत्र देव सिंह, छात्र राजनीति से राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं, 1994 में बुंदेलखंड युवा मोर्चा प्रभारी भी रहे हैं, 2004 में विधान परिषद सदस्य चुने जा चुके हैं, 2004-2017 में 3 बार महामंत्री और 1 बार उपाध्यक्ष चुने जा चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो है उन्होंने पहले भी कार्यभार संभाला है, पहले भी योगी सरकार में उन्होंने एक अहम कार्यभार संभाला है, 2022 के चुनाव में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है, जिसके साथ साथ आज उन्होंने भी योगी सरकार 2.0 में शपथ लिया है। कुछ इस तरह से
कुछ इस तरह से रहा है मंत्रिमंडल योगी सरकार 2.0 का। 1990 में ब्रजेश पाठक लखनऊ विवि छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इन्होंने छात्र राजनीति से ही अपने राजनीति की शुरुआत की है। 2002 में कांग्रेस के टिकट पर यह चुनाव भी लड़े थे। 2004 में इन्होंने बसपा का दामन भी थामा था। 2017 में भाजपा की टिकट पर यह चुनाव लड़े थे। 2017 में पहली बार इन्हें विधायक चुना गया था, जिसके बाद इन्हें बड़ी जिम्मेदारी कानून मंत्री के रूप में दी गई थी। कानून मंत्री के रूप में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपना दायित्व तो निभाया। वहीं अगर बात सतीश शर्मा की करें तो सतीश शर्मा भी योगी सरकार 2.0 में मंत्री पद का शपथ लिए। भाजयुमो में राजनीतिक करियर की इन्होंने शुरुआत की। 2010-2015 में पंचायत सदस्य बने, दो दो मंत्रियों को हराने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाराबंकी की दरियाबाद सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। सतीश शर्मा ने भी आज शपथ लिया है। योगी सरकार 2.0 में सतीश शर्मा भी शामिल हुए हैं। वहीं अगर बात राजेश्वर सिंह की करें तो 1996 में पीपीएस अधिकारी बने थे। पूर्व भारतीय ईडी अधिकारी भी है ये। राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित है राजेश्वर सिंह। 2022 विधानसभा में सरोजिनी नगर सीट से यह चुनाव लड़ चुके हैं और इन्होंने जीत दर्ज की है। राजेश्वर सिंह के आते ही इनकी जो पत्नी थी लक्ष्मी आईजी रेंज लखनऊ, उनको हटाने की भी मांग समाजवादी पार्टी द्वारा की गई थी। हालांकि इन्होंने जीत दर्ज किया है। जीत दर्ज कर यह अपनी जगह योगी सरकार 2.0 में बना लिया है। इन्होंने अपनी जगह ब्रजेश पाठक, इनका प्रमोशन हुआ है। कानून मंत्री से ये डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। लगातार जिस तरह से पंडित चेहरे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, इससे साफ तौर पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं 2024 को भी साधने की तैयारी है। जिस तरह से शपथ ग्रहण के दौरान स्टेडियम में एक गाना गूंज रहा था 2024 तो झांकी है, 2027 अभी बाकी है। कहीं ना कहीं 2027 को भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से नए चेहरों को भी जगह दिया गया है मंत्रिमंडल में, ये नए चेहरे भी काफी अहम भूमिका निभाएंगे। कौशाम्बी में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें दोबारा डिप्टी सीएम चुना गया है। दोबारा उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम की कुर्सी पर केशव प्रसाद मौर्य बैठेंगे। योगी सरकार 2.0 की मंत्रिमंडल में भी केशव प्रसाद मौर्य शामिल है। 2017 में ये पहली बार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम चुने गए थे। 2012-2014 में लोकसभा चुनाव भी ये जीत चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के ये सदस्य भी बने हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में भी पहले कार्यरत हैं केशव प्रसाद मौर्य। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इन्होंने भी दामन भी थामा था। कौशाम्बी के हैं केशव प्रसाद मौर्य। योगी सरकार 2.0 में कुछ इस तरह से चेहरे शामिल हुए हैं। तो 15 से 20 जो पुराने चेहरे हैं, पुराने लोग हैं, उनको इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। वहीं एक डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के दो डिप्टी सीएम बने थे। इतिहास में पहली बार ऐसा भी हुआ था कि दो डिप्टी सीएम बने थे। वहीं दो डिप्टी सीएम में से एक जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, उनको योगी सरकार 2.0 में जगह नहीं मिली है। ब्रजेश पाठक को नए डिप्टी सीएम के रूप में सामने आए हैं। वहीं असीम अरुड़ की अगर बात करें तो असीम अरुड़ वीआरएस लेकर आए थे। वो 1994 के आईपीएस हैं, यूपी एटीएस के चीफ भी रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं असीम अरुड़। कन्नौज से, इत्र की नगरी कन्नौज से विधायक का चुनाव जीतकर असीम अरुड़ आए हैं, जिन्हें योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है। 1994 बैच के आईपीएस रहे हैं असीम अरुड़। असीम अरुड़ जब वीआरएस लेकर राजनीति में इन्होंने अपनी एंट्री की थी, ये राजनीति में आए थे तो इन्हें भी लेकर कई अटकलें लगी थी, कई बातें कही जा रही थी। ये तक कह दिया गया था कि जो अपने कार्यकाल में रहे होंगे तो इन्होंने कितना जस्टिस किया होगा। हालांकि उसके बाद इन्होंने चुनाव जीता, कन्नौज से चुनाव जीत दर्ज की और आज योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में ये शामिल हो गए हैं। ऐतिहासिक जीत का ऐतिहासिक मंत्रिमंडल भी सामने आया है। बेबी रानी मौर्य, जो उत्तराखंड की सातवीं राज्यपाल हैं, जो राज्यपाल की कुर्सी छोड़कर 2022
विधायकी लड़ी और इन्होंने जीत दर्ज किया। इन्हें भी योगी सरकार 2.0 में जगह दी गई है। इन्होंने भी आज शपथ लिया है। 1990 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। 1995 में यह आगरा की मेयर बनी। 2002 राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी बनी और आज योगी सरकार 2.0 में इन्होंने शपथ लिया है। धर्मवीर प्रजापति भाजपा के राजनीतिक भाजपा से इन्होंने अपने राजनीति के सफर की शुरुआत की थी। 2002 में प्रदेश संगठन की बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली थी। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में भी इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली, उसमें भी ये रहे। इन्होंने खासा बढ़ावा दिया पिछड़ा वर्ग को। वही योगी सरकार 2.0 कुछ ऐतिहासिक जीत का जो शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल रहा है वो ऐतिहासिक ही है। 2022 खत्म हो चुका है, 2024-2027 को साधने की तैयारी चल रही है। दोनों मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री भी जो हैं उन्होंने भी आज अपना शपथ लिया। सुरेश खन्ना ने भी आज मंत्री के रूप में योगी सरकार 2.0 में अपना शपथ लिया। श्रीकांत शर्मा मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके हैं। वहीं बृजेश पाठक जो कि कानून मंत्री थे उन्होंने अब डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने शपथ लिया। केशव प्रसाद मौर्य पिछली सरकार में भी डिप्टी सीएम थे और इस बार भी वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे। आशीष पटेल ने भी शपथ लिया है मंत्री के रूप में। जितिन प्रसाद ने भी मंत्री के रूप में योगी सरकार 2.0 में शपथ लिया है। राकेश सचान को ने भी मंत्री पद का शपथ लिया है। राकेश सचान के जरिए कुर्मियों को साधने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि राकेश सचान कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। समाजवादी पार्टी छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने जीत भी दर्ज किया और आज वो मंत्री के रूप में शपथ भी लिए हैं। वहीं जो पुराने चेहरे हैं सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, केशव मौर्य, बृजेश पाठक, जयवीर सिंह, जितिन प्रसाद, बलदेव अलख, भूपेन चौधरी, गिरीश यादव, सतीश शर्मा, लक्ष्मी नारायण, संदीप सिंह सभी ने भी अब शपथ ले लिया है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद लगातार सभी मंत्रियों को बधाई देने का एक जो सिलसिला है वो जारी है। लगातार योगी सरकार 2.0 का गठन हो चुका है, शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। राज्यपाल ने सभी मंत्री समेत जो मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी मुख्यमंत्री हैं सभी को शपथ दिलाई और जिसके बाद से अब लगातार जो बधाइयों का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, बधाइयों का दौर शुरू हो गया है।
2.0 का राज तिलक हो चुका है और अब जो बधाइयों का सिलसिला है वो जारी हो गया है। कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, तो कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है। योगी के जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है उनमें नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह और गुलाब देवी शामिल है। नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, ये सब स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी सरकार में जगह दी गई है। वहीं योगी के मंत्रिमंडल, योगी सरकार 2.0 मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह नहीं मिली है वो डिप्टी सीएम, उनमें दिनेश शर्मा भी शामिल है, सिद्धार्थनाथ सिंह भी शामिल है, मोहसिन रजा भी शामिल है, श्रीकांत शर्मा भी उसमें शामिल है। इन सभी ने 2022 के चुनाव में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है, इसके बाद अभी कैबिनेट की मीटिंग होनी है और बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। जिन ने भी, वही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बधाई दी है ट्वीट करके। हालांकि अटकलें भी लगाई जा रही थी कि जितने जो भी एक्स मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे, लेकिन वो शामिल नहीं हुए इसमें शपथ ग्रहण समारोह में, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी है। धीरे धीरे सभी का जो बधाई देने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, सभी बधाई दे रहे हैं। कई ऐसे नए चेहरे भी हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल है। 15 से 20 पुराने लोग हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। वहीं जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं दिनेश शर्मा, उन्हें भी इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बने हैं, जतिन प्रसाद को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वहीं अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि दिनेश शर्मा को संगठन का हिस्सा बनाया जा सकता है, शायद उन्हें संगठन में जगह दिया जाए। साथ ही साथ राकेश सचान को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उनके जरिए कुर्मियों को साधने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा था कि 2022 के पहले जो कुर्मी है वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़े छिटक से गए थे, जिसके बाद आशीष पटेल को भी राज्य मंत्री बना दिया गया है। अनुप्रिया पटेल के पति हैं, इनकी पत्नी अभी केंद्रीय मंत्री हैं। क्योंकि सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, 7 बजे एक बैठक होनी है, बैठक में भी कई अहम फैसले लिए जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने रहेंगे। सुरेश खन्ना को लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। आज सुरेश खन्ना ने भी मंत्री पद का शपथ लिया है। आशीष पटेल ने भी शपथ लिया है। डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी का खासा साथ दिया, 2022 का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे, उन्होंने भी आज राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिया। योगी सरकार 2.0 में डॉक्टर संजय निषाद भी शामिल हैं। सभी अन्य क्षेत्रीय दल जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, वही शपथ ग्रहण समारोह अब संपन्न हो चुका है।
सभी मंत्रियों ने अपना शपथ ले लिया है। योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो चुका है। कई नए चेहरों को जगह मिली है तो कई पुराने चेहरों को भी एक उदासी एक कहा जाए तो उन्हें शामिल नहीं किया गया है, उन्हें नाकामयाबी का सामना करना पड़ा है। हालांकि कई चेहरों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें शायद संगठन में भी शामिल किया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, 7 बजे एक अहम बैठक भी होनी है। इस बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इकाना से निकल चुके हैं, अब वो कालिदास मार्ग पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता विभांशु ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ ने दूसरी मर्तबा जो सीएम की कुर्सी है उसको संभाला है। आप देख सकते हैं उनका काफिला निकल रहा है इकाना स्टेडियम से, वो शपथ ग्रहण समारोह को ख़त्म करके, और वो पहली मर्तबा सीएम बनने के बाद जो दूसरी मर्तबा सीएम बना है उस दौरान वो देखिए इस ठीक गाड़ी के सामने योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि अपने आवास 5KD जा रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि आज 7 बजे के करीब कैबिनेट की पहली बैठक भी बुलाई गई है जिसमें वो तमाम चेहरे सम्मिलित होंगे जिन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। और कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु प्राइम टीवी। तिकाना स्टेडियम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं, अब वो कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर एक अहम बैठक भी बुलाई गई है। 7 बजे से एक अहम बैठक होनी है जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के जो अहम लोग हैं वो शामिल होंगे। इस बैठक में भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह भी अब संपन्न हो चुका है, अब वक्त है जरूरी कार्यभार संभालने की, जिसके बाद जो सभी नवनिर्वाचित मंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभालेंगे। हालांकि अभी तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, तब वो मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। संगठन में जगह दिए जाने की ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि शायद उन्हें संगठन में अब कोई जगह मिले। ২০২৪ को देखते हुए कहा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बेबी रानी मौर्य जो 7वीं राज्यपाल थी उत्तराखंड की, वो भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उन्होंने जीत दर्ज किया और अब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा चुका है। उन्होंने भी आज मंत्री पद का शपथ लिया है। कुछ इस तरह से है जो योगी सरकार 2.0 है उसका मंत्रिमंडल। योगी सरकार 2.0 की शपथ ग्रहण पूरी हो गई है। योगी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। इसके बाद केशव मौर्य ब्रजेश पाठक ने भी शपथ ली थी। फिर 50 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कुल 52 सदस्य मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट, 12 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, मोहसिन रजा समेत पिछली सरकार के 20 मंत्रियों को सरकार में जगह नहीं मिली है। सतीश महाना को भी जो औद्योगिक विकास मंत्री थे उन्हें इस सरकार में जगह नहीं मिली है। योगी सरकार 2.0 मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। केशव मौर्य डिप्टी सीएम दूसरी बार चुने गए हैं। सिराथू से केशव मौर्य चुनाव हार गए थे। ओबीसी के बड़े चेहरे हैं केशव मौर्य। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम पिछली बार कानून मंत्री थे, ब्राह्मण चेहरा है। दिनेश शर्मा को रिप्लेस किया है इन्होंने। वहीं सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं। शाहजहांपुर से 9वीं बार विधायक बने हैं सुरेश खन्ना। पिछली कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे थे। सूर्य प्रताप शाही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष, पिछली सरकार में भी मंत्री थे। संगठन और योगी के खास हैं स्वतंत्र देव सिंह। इन्होंने भी योगी सरकार 2.0 में मंत्री पद
का शपथ लिया है। तो कुछ इस तरह से जो योगी सरकार 2.0 का मंत्रिमंडल है वो है। कई चेहरों को जगह नहीं मिले, कई चेहरे को निराशा हासिल हुआ, तो वहीं कई नए चेहरे को भी योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।